अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको बताते चलूँ कि मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम्स की फ़ाइनल डेट शीट है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे 12th क्लास के, यानी आपके पास जो 12वीं क्लास है उसके एग्ज़ाम्स होंगे और वो स्टार्ट होंगे 10 तारीख से, यानी जो आपका नेक्स्ट मंथ है जुलाई का। तो 10 जुलाई से आपके पास 12वीं क्लास के जो इम्तहान हैं वो स्टार्ट होंगे, उसकी डेट शीट भी आगे जाकर दिखाता हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे 10th क्लास के, यानी पहले 12वीं के फिर 10वीं के। 10वीं के स्टार्ट होंगे आपके पास 29 जुलाई से, ठीक है। 29 जुलाई से आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे 10th क्लास के। जैसे ही 10th के ख़त्म होंगे फिर स्टार्ट होंगे फर्स्ट ईयर के। फर्स्ट ईयर के स्टार्ट होंगे 12 अगस्त से, और जैसे ही फर्स्ट ईयर के ख़त्म होंगे, फर्स्ट ईयर के ख़त्म होने के बाद अगस्त के लास्ट पर यानी 28 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 9th क्लास के, ठीक है। तो ये डेट शीट जो अनाउंस की गई है पंजाब बोर्ड की जानिब से, तो ये आप देख लें। अब आगे पेपर्स की जो डेट शीट है वो भी आगे जारी की गई है, वो भी आपके सामने मैं दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये डेट शीट अब पेपर किस तरीके कौन से है वो भी आगे आप देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपके सामने 12th क्लास की है, यानी 12वीं क्लास का जो पहला पेपर 12 तारीख को होगा वो होगा केमिस्ट्री का। उससे पहले 11 को स्टार्ट होंगे, लेकिन वो आर्ट्स वाले ग्रुप का होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये आपके सामने फर्स्ट ईयर की डेट शीट है। तो फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके पास जो स्टार्ट हो रहे हैं उसकी डेट शीट। नेक्स्ट आपके पास ये 10th क्लास की डेट शीट। तो पहले 12वीं क्लास के एग्ज़ाम्स होंगे, फिर उसके बाद 10th क्लास के, फिर 11th के, और फिर लास्ट पर होंगे 9th क्लास के, ठीक है। तो ये आपके पास 9th क्लास की डेट शीट। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इसे आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।